हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। कल के क्लास में हमने कंप्लीट किया था कुछ लेक्चर, जहां पर हमने रोल्स और रोल ऑफ आरबीआई पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी पढ़ा था, सीआरआर, एसएलआर और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती है हमने देखा था। मोटा मोटा रिकैप कर ले तो रोल ऑफ आरबीआई के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी कि आरबीआई के रोल्स क्या होते हैं, आरबीआई मनी को कंट्रोल कैसे करता है, मीन्स चीप मनी पॉलिसी क्या होता है, डियर मनी पॉलिसी क्या होता है, और उसको यूज़ करते हुए ये मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करता है ना, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी हमने देखा था कि कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड प्रोडक्ट होता है। अगर हमको कुछ चीज़ खरीदना है तो कैश एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा, बट कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो कन्वर्ट नहीं होती है, बट वो भी लिक्विडिटी लिक्विड मानी जाती है, जैसे गोल्ड हो गया है ना, डिमांड ड्राफ्ट हो गया है ना, कैश सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें है ना। बाकी हमने देखा था कि कुछ आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ आपको रिजर्व रखने पड़ते हैं, है ना, रिजर्व रखने पड़ते किसी भी बैंक को अगर ऑपरेट करना है तो। उसमें सीआरआर था, हमने देखा सीआरआर को हम डेड मनी भी बोलते हैं और ये 4% के करीब आपको रखना पड़ता है। एसएलआर हमने देखा, एसएलआर के अंदर लगभग 18% रिजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये डेड मनी होता है, इस वजह से इसमें कोई इनकम नहीं होता, तो बैंकों को थोड़ा इनकम के लिए कुछ चाहिए स्कोप, तो उसके लिए एसएलआर है। अब एसएलआर को भी तीन जगह में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट जीसेक, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने ख़त्म किया था। एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या होता है, एक डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर क्या करेगा, पैसा डालेगा बैंक में, है ना। बैंक में जो पैसा इकट्ठा होगा दो तरीके से होगा, या तो वो क्या करेगा, फिक्स डिपॉजिट कराएगा, है ना, फिक्स डिपॉजिट कराएगा, या तो बैंक में डालेगा, दो तरीके से डालेगा। अगर फिक्स डिपॉजिट कराया तो वो टाइम लायबिलिटी है, मतलब उस टाइम से पहले वो निकाल नहीं सकता है ना उस, और अगर बैंक में डाला है तो वो डिमांड है, वो कभी भी निकाल सकता है उसको, टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी, इसलिए क्या हुआ ये सारा मिला के नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ें हमने कल कंप्लीट करी थी, इसमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर। इरेजर, कम ऑन, पेन का इरेजर कभी कभी बात नहीं मानता यार। ओके चलो छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक पता है ना क्या है, कल के जो छूटे हुए टॉपिक थे वही आज के टॉपिक होंगे। सो कल के कुछ छूटे हुए टॉपिक थे तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट को समझो भाई, देखो होता क्या है, यहां पर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ओके और नीचे है बैंक, ठीक है। अब बैंक क्या करती है, बैंक आरबीआई से, मतलब अगर बैंक आर बैंक्स को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, आरबीआई से पैसे डिमांड करेगा। रेपो रेट याद रखना शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना एरो, ये होता है मनी फ्लो, मतलब आरबीआई से पैसा ले रहा है, उसके बदले में बैंक्स क्या करती है, आरबीआई के पास कोलेटरल रखती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो इंटरेस्ट पे करती है। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे पे करती है समझाता हूं। अब होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब
आरबीआई के पास रखते हैं ना, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और रेपो है ना, इसको याद रखना। ये किसके अंडर हो रहा है सब कुछ? रेपो के अंदर। रेपो का मतलब क्या होता है? ये जो RE है इसको बोलते हैं रीपरचेज, ठीक है, रीपरचेज, ठीक है, री और पी से परचेज, रीपरचेज है ना। तो इसको रीपरचेज एग्रीमेंट और कमिटमेंट भी बोलते हैं, रीपरचेज, रीपरचेज कमिटमेंट। जब भी RBI इनसे ये लेती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो RBI इनको ये भी बोलती है कि ठीक है, ये तू मुझे दे तो रहा है और मैं तुझे पैसे भी दे रहा हूँ, बट ये यहाँ पर लिखित है और इसकी गारंटी ले ले कि तू इसको वापस मेरे से लेगा। ऐसा नहीं है कि तू ये रेपो रेट के लिए जो तुमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले रखी है ये सारा मेरे पास दे के रखे है, ये तुझे वापस लेना होगा, राइट। तो बैंक भी इस पे एग्री करता है और इसीलिए रेपो रेट के ऊपर ये सारा का सारा पैसा उठा लेता है RBI से, ठीक है। तो इसीलिए इसको सम टाइम रीपरचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं या फिर रीपरचेज कमिटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर RBI जब इसके बदले में, क्योंकि कोलेटरल इसने क्या रखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब क्योंकि इसके बदले में रखा है तो RBI का क्या फ़ायदा है? RBI का फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने इनका बॉन्ड उठाया ना। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर RBI के पास है तो इंटरेस्ट इनके पास जाएगा, अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक के पास है तो इंटरेस्ट इसके पास आएगा। जब तक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक ने RBI को दे के रखा है, तब तक ये सारे के सारे पैसे के जो जो मज़े लेगा वो RBI लेगा, है ना। RBI अपने इसका जो इंटरेस्ट है RBI खा रहा होगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन के बाद, शॉर्ट टर्म के बाद क्या होता है, बैंक इनको इसके जो कोलेटरल रखा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो वापस मांग लेती है और पैसे दे देती है, राइट। और ये रेपो रेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। समझ में आया रेपो रेट? रेपो रेट ईजी है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ओके, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, होता तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ऊपर RBI है और नीचे है बैंक्स, ठीक है। अब हो जाता है कई बार, मान लो कि यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स है ना, डिपॉजिटर ने काफ़ी पैसा डिपॉजिट कर लिया, ठीक है, तो बैंक के पास जो अमाउंट यहाँ पर NDTL हो जाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी इकट्ठा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मोर देन बोल सकते हैं एक्सेस, ठीक है, मोर देन एक्सेस कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है बैंक्स के पास। तो बैंक क्या करती है? बैंक बोलती है देखो मेरे को तो 100 रुपीज़ चाहिए सिर्फ, ठीक है, उस पर मेरा हो जाता है काम, और जितना मुझे लोन उधार देना होता है वो चाहिए, बट मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर ना 200 रुपये और बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना ये आपके पास चला जाए, मनी फ्लो, ये मैं आपको दे देता हूँ, इसके बदले में आप मेरे को छोटा मोटा कोई इंटरेस्ट देना, राइट। तो ऐसे में जो मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, और जो ऊपर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नीचे की तरफ आता है बैंकों को जो मिलता है वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब तक इनके पास ये एक्स्ट्रा पैसा था, ये एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने ऊपर दे दिया, 200 रुपये भी दे दिया ना, ये जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है ये एक्स्ट्रा पैसा RBI के पास चला गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गया बैंक के पास। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इंटरेस्ट देगी वो इंटरेस्ट कौन लेगा भाई? यहाँ पर वो इंटरेस्ट भी खाने वाला बनेगा बैंक, राइट। तो इतने टाइम पे ये पैसा फ़ायदा में हो गया कि गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर से उनको पैसा मिलता जा रहा है, राइट। नहीं तो वो पैसा खड़े का खड़ा रह जाता है यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी हर बैंक कोशिश करती है कि वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट हो जाए। हाँ, इसके अलावा हमने देखा है कि SLR में ये भी इन्वेस्ट करने का एक जरिया है ना। बट इसमें जैसे मैंने तुमको बताया कि इसमें तीन तरीके होते हैं, एक होता है कैश,
है ना, एक होता है गोल्ड और एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब यहाँ पर तो कैश में रखने का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजर्व है ना, तो कैश में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और गोल्ड में रख के कई बार घाटा इसलिए हो जाता है कि क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो सकती है, पर ये तभी कमा सकता है जब गोल्ड की वैल्यू ऊपर उठती है ना, अगर नहीं उठी तो एक वहाँ पर भी पैसे का लॉस है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एश्योरेंस देती है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एश्योरेंस देती है कि मैं आपको एटलीस्ट 2% तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, आपसे ये 2% का प्रॉफिट कोई नहीं छीन सकता। तो ये एश्योरेंस के कारण हमेशा जो बैंक कोशिश करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर ले, है ना। अब ये जो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नीचे आ रहा है, मनी ऊपर जा रहा है, तो मेरा पैसा भी सेफ रह गया, उसके बदले में मैं कुछ कुछ इंटरेस्ट भी जनरेट कर देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट उल्टा घूमता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, राइट। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। कम ऑन, ओके, यहाँ तक क्लियर है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं MSF, ठीक है। MSF का मतलब क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। ये एक रेट है, एक एक इंटरेस्ट रेट है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आपने अभी एक चीज देखा भाई, आपने देखा अभी रेपो, ठीक है। रिलेट करते हैं इसको, रेपो में क्या था? ऊपर आरबीआई थी, ठीक है, ये मनी नीचे के दे रही थी बैंक्स को, ये शॉर्ट टर्म था, मनी फ्लो डाउनवर्ड हो रहा था, और यहाँ से जो ऊपर के लिए जा रहा था वो था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था रेपो का। बट मान लो कि बैंक के पास ना किसी वजह से पैसे खत्म हो गए, है ना। अब बैंक को तो पैसे किसी भी हिसाब से चाहिए, ऐसे तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, पैसे तो चाहिए किसी भी हिसाब से। तो क्या करती है यहां पर MSF के केस में? MSF के केस में RBI को बैंक्स रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे पैसे दे दो, मनी फ्लो डाउनवर्ड होना चाहिए, और ये होगा वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए। मान लो कि आज कोई आ गया है, कल पैसे दे देना है ना, इस तरीके से बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई डील करनी है तो ये होता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक बोलती है यार ठीक है, तुम ऐसे तो मैं कैसे पैसे दे दूँ तेरे को, मेरे पास कोई कोलेटरल तो रख। तो बैंक तो बोलती यार मेरे पास कोलेटरल होता तो मैं रेपो में पैसे नहीं उठा लेता तुझसे, है ना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं रखने के लिए। तो बैंक बोलती है कोई बात नहीं, तुम मुझे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दे, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब आप बोलोगे इसके पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है नहीं, बट इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखे थे, कौन से, जो इसने MSF में नहीं, जो इसने CRR में इसने कैश रखा था 4%, है ना। अब याद है आपने यहाँ पर SLR भी था 18%। अब ये SLR को तीन टाइप में इन्वेस्ट करते थे, बट ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स क्या कोशिश करती है कि उसे इन्वेस्ट किया जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। अब रेपो के केस में ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ना, ये SLR वाली नहीं होती है। SLR वाली अगर बैंक RBI इसको देंगी RBI को, तो RBI यहाँ से उसको फटकार लगा देगा या फिर इसके लाइसेंस भी कैंसिल कर देगा।
क्योंकि जो भी रिजर्व में पैसा रखा होता है उसके पैसे को छेड़ने के लिए सख्त मनाही होती है, राइट। तो बट ऐसे केस में जब वो बैंक डूब रहा है, अभी इसको पैसों की ज़रूरत है, तो आरबीआई बोलती है कोई बात नहीं, तू जो कॉलेटरल तूने अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखा था वो मेरे पास रख, राइट। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, उनका सिक्योरिटी तो बना रहेगा और मनी फ्लो भी किसी गारंटी के साथ बैंक में चला जाएगा, राइट। तो इस केस में ये कौन से होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको उन्होंने SLR में भी इन्वेस्ट किया था, वो वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन ले लेते हैं, तो ये MSF होता है, राइट। तो याद रखना है आपने, ये जो रेपो रेट होता है, रेपो के रेट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो नहीं होती जिसको उन्होंने SLR में इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। ठीक है, और अगर आप कर रहे हो MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर ले रहे हो, तो MSF के अंदर जो भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है ये एक्सेप्ट की जाती है, यस SLR वाला यस एक्सेप्टेबल है, ये यहाँ पर नहीं होगा, समझ आया। तो ये दोनों इनके ऊपर डिफरेंस होता है, और एक एक डिफरेंस और होता है, ये जो रेपो रेट होता है ये होता है शॉर्ट टर्म, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये होता है वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है, जैसे एक दिन दो दिन है ना, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको याद रखना है आपने, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका इस्तेमाल आरबीआई बहुत ज़्यादा करती है, ये है OMO, क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, आरबीआई अपने जगह में है, ठीक है, फिर बीच में बैंक्स है, फिर आगे जाके मार्केट है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को ऐसा नजर आए ना कि यहां पर एक बंदा है, दो तीन चार, ठीक है, और यहां पर ये चार प्रोडक्ट है, ठीक है, ये चार प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, इनकी कीमत है 10-10 रुपए, ₹10, ₹10, ₹10, ₹10, है ना, इन सब के प्राइस है 10-10 रुपए। बट यहाँ पर जो इन लोगों की पॉकेट साइज है ना वो बहुत ज़्यादा है, राइट। ये दस एक प्रोडक्ट जो 10 रुपए का है उसके लिए ये 30 रुपए अफोर्ड कर सकता है, ये भी 30 रुपए अफोर्ड कर सकता है, ये भी 30 रुपए अफोर्ड कर सकता है, एंड थर्ड ये जो फोर्थ है ये भी 30 रुपये अफोर्ड कर सकता है, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, जो कैश है, कैश इज इन हाई लिक्विडिटी, कैश एक बहुत हाई लिक्विडिटी प्रोसेस पे है यहां पर, राइट। तो अब क्या करना है, आरबीआई को ये देखना है कि किस तरीके से इनके यहाँ पर लिक्विडिटी कम किया जाए, नहीं तो ये बहुत तगड़ा इन्फ्लेशन का केस बनेगा। जब मार्केट को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइज बहुत बड़ी हो रही है, तो इसमें एक छोटे मोटे अल्टरेशन करके ये इसी प्रोडक्ट को ₹25 में बेचेंगे, ठीक है, ₹25 में बेचेंगे। अब ये अगर इसको ₹25 में बेच रहे हैं, तो इसमें एक इंडस्ट्री का मैनिपुलेशन हो जाता है, समझ के समझना यार। इनको एक फैक्ट्री के अंदर ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या लग रहा होगा, इनपुट प्लस प्रोसेस और फिर आउटपुट आ रहा होगा, क्या
क्या हो रहा है यार। फिर आउटपुट आ रहा होगा, आउटपुट में ये प्रोडक्ट आ रहा होगा। ये जो इनपुट है इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा जब ये प्राइस बढ़ाएंगे? नहीं, यहाँ से तो ये 2 रुपये का ला रहा था, प्रोसेस में इसको 7 रुपये लग रहे थे, ठीक है, तो 9 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा था प्लस 1 रुपये अपना खर्चा निकाल रहा था, तो 10 रुपये में ये बेच रहा था। अब ये जो रॉ मटेरियल है ना 2 रुपये का, इस इंडस्ट्री को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा, ये इंडस्ट्री को तो कोई प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, ये मैनिपुलेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो छोटा मोटा अल्टरेशन करके इसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के बेच रहे हैं ना। अब इनको यहाँ पर जो 1 रुपये का फायदा था कितने का हो जाएगा अभी यहाँ पर? 2 रुपये का रॉ प्रोडक्ट, 7 रुपये की फैक्ट्री कॉस्ट, अब इसमें प्लस कर रहा है ये कितना, लगभग 11 रुपये कमा रहा है यहाँ पर। जहाँ पर 1 रुपये कमाना था अब वहाँ पर 11 रुपये कमा रहा है, और ये पूरा का पूरा सामान ये कितने का बेच रहा है? 20 रुपये का, ठीक है, 20 का नहीं, सॉरी 25 का बेच रहा है। तो यहाँ पर कितना कमा रहा है भाई ये? 16 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मतलब ये कैसे मतलब मैनिपुलेट करता है सिस्टम को, राइट। तो हमको यहाँ पर ये इस चीज़ को रोकना पड़ता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मैनिपुलेट हो रही है और प्रोसेस में भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आउटपुट प्रोडक्ट का थोड़ा सा रूप चेंज कर रहा है और ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, एक तो इस तरीके से। दूसरा, पॉकेट मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पैसा होना इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कैश चीप है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं $1 से तो वो रुपीस बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो रुपीस का जनरल कॉस्ट है वो गिरेगा, कंपैरिजन में गिरेगा, और जब कन्वर्ट करेंगे तो बढ़ेगा, समझ आ रहा है, कंफ्यूज मत हो ना। अगर ये डॉलर है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ तो $1 का कितना मिलेगा भाई मेरे को? 75 रुपीज़ मिलेगा कि नहीं, है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अब ये जो चीप है ये पैसा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि 80 रुपीज़ मिलेगा, 85 रुपीज़ मिलेगा, तो पैसा क्या कर रहा है? बढ़ रहा है ना यहाँ पर। अगर मैं वैल्यू बोलूं डॉलर के सामने, डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू बोलूं तो वो घट रही है, ये जैसा जैसा बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है रुपए की, राइट। तो ये दोनों इन्वर्स में बोले जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है अब यहाँ पर? अब आरबीआई का बड़ा मोटा केस होता है यहाँ पर। देखो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक्स को बोलेगी कि मेरे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो तब लेगी ना जब सामने डिमांड होगा, है ना। जब सामने डिमांड है ही नहीं तो उसका क्या करेगी यहाँ पर, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, आरबीआई सीधा ओपन मार्केट में जाके ऐसे बोलता है, ओपन मार्केट में ऐसे बोलता है कि मैंने ओपन मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो करो, मैं 2% में, 5% में, 8% में आपको अच्छा इंटरेस्ट दूंगा, है ना। तो लोग क्या करेंगे, फटाफट इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो इनके पास, इनके पॉकेट में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके पॉकेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके पॉकेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये 30 रुपये के बदले इसके पास रह जाएगा 10 रुपये, 30 रुपये के बदले इसके पास भी रह जाएगा 10 रुपये, है ना। सबके पास, जिसके पास 30 रुपये थे वो 10 रुपये रह जाएंगे, बाकी 20 रुपये का तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के दम पे ये प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकता ना भाई, बार्टर सिस्टम थोड़ा ना चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा कि इस तरीके से ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए लिक्विडेशन को कंट्रोल करेगा। ये जो हाई लिक्विडिटी थी अब ये कंट्रोल में आ जाएगी, हाई लिक्विडिटी लो हो जाएगी, ठीक है। तो हाई लिक्विडिटी को अब लो करेगा इस तरीके से, राइट। अब मान लो कि इसी का अपोजिट केस हो जाता है,
ठीक है। अपोजिट केस मतलब यहाँ पर आरबीआई है, अब बैंकों ने तो अपना, बैंकों को तो चाहिए ही नहीं ना ये, यहाँ पर सीधा मार्केट आ गया। अब ऊपर क्या किया था बैंक ने, मना कर दिया था, है ना। अब यहाँ पर देखो एक दो लोग हैं, अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अब आरबीआई ये देख रही है यार इन प्रोडक्ट की रुपीज, इन प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 रुपये, इसकी भी 10 रुपये, इसकी भी 10 रुपये और इसकी भी 10 रुपये। बट क्योंकि इन, अब ये जो जनरल पब्लिक है ना, इनके पॉकेट में एवरेज पैसा ही 8 रुपये रह गया है ना, तो पब्लिक जनरली इसको नहीं खरीद पा रही है, इंडस्ट्री को घाटा पड़ रहा है। अब जब ये पब्लिक इंडस्ट्री में ये गुड्स खरीदेगी नहीं, तो ये गुड्स कहीं ना कहीं से तो सप्लाई में आए होंगे, ठीक है, तो वो सप्लाई गिर जाएगी। ये सप्लाई कब हुई होगी, जब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, तो वो प्रोडक्शन भी गिर जाएगा। ये प्रोडक्शन कब हुआ होगा, जब इंडस्ट्री बनी होगी या फिर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट भी डूबता है। तो इस सारे सिचुएशन को रोकने के लिए आरबीआई वापस से आज आती है मार्केट में और ऐसे बोलती है, ये जो आप लोगों के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, अब मुझे चाहिए ये ड्यूज़ हो गए हैं, अभी मैं आपको ये पैसे वापस करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरल पब्लिक थी, वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई को दे देगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, और कैश आरबीआई से जनरल पब्लिक के पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जिनकी 8 रुपए की कैपेसिटी थी, अब धीरे धीरे वो 13 रुपए की, 15 रुपए की कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था। अब अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री में ये सारे प्रोडक्ट खरीद पा रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे सप्लाई को बूस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन भी बूस्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट जो था उनको भी प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से किसी भी बैंक को इन्वॉल्व किए बिना, किसी भी गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हुए बिना, सीधे से अगर आरबीआई खुद मार्केट में कूदता है और इन्फ्लेशन को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, राइट। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ओपन मार्केट को याद रखने के लिए बस ऐसा याद रखना आप, ठीक है, कि अगर आरबीआई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन मनी फ्लो क्या होगा दोस्त, मनी फ्लो गिरेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आरबीआई परचेज करता है, देन मनी फ्लो इंक्रीज होता है, बस ये याद रखना है, राइट। इसमें कोई समझ, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आगे देगा, ठीक है, आगे से अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, ठीक है, तो सेल कर रहा है तो लोगों से पैसे लेगा ना, तभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अगर आरबीआई अगर परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक, दैट मीन्स मनी का जो फ्लो है वो इन द मार्केट गोइंग टू लो, है ना। तो वहाँ उनके पॉकेट में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, तो वो यहाँ पर मनी को कंट्रोल कर पा रहा होगा, तो मनी अप ऊपर और नीचे होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है MSS, किसी को पता है तो बता दो जल्दी से। ये होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या कहती है इसको समझो। देखो पहले ना, अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का केस है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंट आती कहाँ से यार मार्केट में,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट देगी ना यार, गवर्नमेंट ही लाएगी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर लाएगी, अगर अगर यहां पर आरबीआई का केस आया, अब आरबीआई को लग रहा है मार्केट में ना इन्फ्लेशन बहुत है ना, आरबीआई को लग रहा है मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत है, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जाता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऐसा बोलता है कि प्लीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मार्केट में दूंगा और वहां से पैसे निकालूंगा। बट अब इस केस में ना गवर्नमेंट बोलती है यार मुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है ना। तो गवर्नमेंट यहां पर किसी भी प्रकार से डेट लेने में मना कर देती है, गवर्नमेंट को डेट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जहां पर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी थी ना, वहां पर गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा था, है ना, गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज हो रहा था। बट सिर्फ अगर एमएसएस की बात किया जाए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसके अंदर गवर्नमेंट का डेट नहीं बढ़ता है, आरबीआई खुद इसको मैनेज करती है, आरबीआई सेल्फ मैनेज करती है, ठीक है, सेल्फ मैनेज। तो गवर्नमेंट ये ऐसा बोलता है, ठीक है अगर आपको डेट नहीं चाहिए तो आप ऐसा करो, आप मेरे को क्लियरेंस दो कि मैं खुद खुद ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करूं, आपके नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्च करूं, बट उसका जो इंटरेस्ट की देनदारी होगी ना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी, डेट लायबिलिटी, वो मेरी होगी, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डेट नहीं होता, ठीक है, नो डेट। और ये जो डेट होता है, लायबिलिटी, ये होता है आरबीआई की, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ऐसे केस में क्या करता है आरबीआई, गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है, ठीक है तुमको नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैं ओपन मार्केट में दे देता हूँ, इसका जो इंटरेस्ट होगा, लायबिलिटी होगी, वो भी मैं ही ले रहा हूँ, मैं ही इंटरेस्ट भरूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, बस तुम्हारे नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाहर बेचूंगा, ठीक है। क्योंकि आरबीआई तो खुद ऐसा सिक्योरिटी बना के नहीं देता है ना, तो गवर्नमेंट के नाम से बेचेगा। सो गवर्नमेंट उसको क्लियरेंस दे दी थी, या तो आरबीआई खुद ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसा हमने पहले किया, बिल्कुल सेम ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेगा, या तो बैंक के साथ भी कर सकता है ना, तो कैसे भी उसका इस्तेमाल करेगा, बट उसकी जो लायबिलिटी होगी वो आरबीआई की खुद की होगी। तो ऐसे केस में उसे बोला जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, उसके अंडर आरबीआई के पास थोड़ा सा ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसके जिसके थ्रू वो, ठीक है, तो इस तरीके से पैसे को कंट्रोल कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और चेंज हुआ था, बेस रेट। अच्छा बेस रेट क्या होता है ये समझो, बेस रेट का मतलब होता है, मान लो कि यहां पर एक बैंक है ना, अब इस बैंक यहाँ पर आरबीआई के सारे बनाए हुए बैंक के लाइसेंस पड़े हैं और उनके रिकॉर्ड्स भी पड़े हैं कि किस बैंक ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो तीन बैंक है, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी, ठीक है। ये जो ए बैंक है ये बोलता है कि मैं बेस रेट रखता हूँ 9%, ये बोलता है नहीं मैं 11% रखूंगा, ये बोलता है नहीं मुझे मैं 7% रखूंगा, ठीक है। अब ये बेस रेट होता क्या है इसको समझो, ये जो इतना इतना रेस में फ्लक्चुएशन है, बेस रेट है जब भी कोई भी आपसे लोन लेगा, उस लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट
कितना होगा, कितना फ्लक्चुएट होगा, कितना रख सकते हो, है ना। तो जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है ना, कि आप इससे नीचे नहीं रख सकते, एक्स टू वाई इससे नीचे नहीं गिर सकते, आपका बेस रेट इससे नीचे नहीं गिर सकता है, तो उस लिमिटेशन को बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, लिमिटेशन टू लेंड द मनी। ठीक है, अब हुआ क्या, ज़्यादातर बैंक ना इसका बहुत, इसको बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे, अपने मर्जी से ये अपने अपने रेट लगा रहे थे और इसमें फ़ायदा कमा रहे थे। तो आरबीआई ने पूछा वाई, है ना, मुझे रीज़न बताओ कि आपने ये जो बनाया है ये किस रीज़न की, इसका रीज़न क्या है कि आपने 7 रखा है, इसने 11, इसने 9 रखा है, किस बेस पे आप ये रेट डिसाइड करते हो, है ना। तो आरबीआई को पता चला कि यहाँ पर यार मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं है, बट अपने हिसाब से ही वो लोग ये सारी चीज रेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, आरबीआई ने ये बेस रेट को हटा दिया, बेस रेट का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया यहाँ से। ठीक है, बेस रेट का कॉन्सेप्ट ही वहाँ से हटा दिया। अरे चल पड़े यार पेन में तो। ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने एम सी एल आर, इसका मतलब था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लैंडिंग। ठीक है, और रेट मतलब लैंडिंग रेट के ऊपर। अब इसमें क्या है, क्लैरिफिकेशन की, इतने क्लैरिफिकेशन इसमें बोलने, सबसे क्लियर जो पॉइंट था वो था ये, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंसी आए, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इसके लिए मैं नया कर रहा हूँ और इसके अलग गाइडलाइंस में बताऊँगा। ठीक है, गाइडलाइंस क्या होंगे कि आप 4 वे से डिसाइड करोगे, 4 वेज टू सेट रेट। ये जो रेट हम सेट कर रहे हो इसके 4 ही रास्ते होंगे। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड, सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का क्या मतलब है, मान लो कि एक बैंक है, बैंक ए, इसको ना पैसों की ज़रूरत पड़ गई है ना, तो ये क्या करता है, बी बैंक के पास जाता है, बी बैंक से ये पैसे लेता है ना, और इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देता है। तो एक रात के अंदर जो पैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कॉल मनी, कॉल मनी वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और जो पैसों का अरेंजमेंट होता है, पैसों को इधर से उधर लाना, सेट करना, उसके ऊपर कुछ खर्चा आ जाता है ना, कुछ खर्चा आ जाता है, तो वो जो कॉस्ट आता है अरे पैसों के अरेंजमेंट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ मनी फ्लो है। ठीक है, तो उसको अरेंज करने के लिए जो भी कॉस्ट आता है, तो आप उस कॉस्ट को भी ऐड करके बता सकते हो कि हमारे इस वजह से मैंने इसका रेट इतना रखा है ना। दूसरा है नेगेटिव कैरी रेट ऑन सीआरआर, कैरी रेट
ऑन सी आर आर। अब हमको पता है कि सी आर आर के अंदर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सी आर आर के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बैंक्स क्या करती है यहाँ पर? बैंक्स को ये जो सी आर आर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको जिसके, मान लो कि किसी के बैंक में सिर्फ 100 रुपये सी आर आर होगा, किसी में 1,000 होगा और किसी में 10,000 होंगे, है ना, और किसी में लगभग 1 लाख रुपए होंगे, ठीक है। तो ऐसे में जिसका रेंज जितना बड़ा होगा उसको तो इतना ही बड़ा लॉस हो रहा होगा ना भाई। ऐसे में जो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसके वजह से भी थोड़ा बहुत अच्छा कि मेकअप हो जाए हमारे लॉस का, उसके लिए भी आप थोड़ा सा अपने लोन में रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट तो जनरली आप लोगों को पता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बोलने का मतलब बिल्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, ठीक है, गुड्स जैसे बुक्स, पेन, पेपर, ये छोटे के ग्रॉसरी सामान, ये छोटे छोटे जो फालतू के पैसे लगते हैं उसके लिए जो खर्चा आएगा, आप वो ऑपरेशनल कॉस्ट को भी वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं। और एक दो तीन और चौथा पॉइंट होता है जैसे टेनोर प्रीमियम है, टेनोर प्रीमियम बोलने का मतलब, मान लो कि किसी ने एफडी कराया है, ठीक है। अब एफडी कराया है 10 साल का, इसने तो 10 साल का इसको इंटरेस्ट पे करना है ना, इसने तो 10 साल का इंटरेस्ट पे करना है बैंक ने, बट इसके पैसे तो सीआरआर में भी लगे हैं, ठीक है। तो सी आर आर में तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसने तो आगे इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर बेशक कि आपने रिजर्व करके रखे हैं अपने लिए पैसे, बट कहीं ना कहीं इसको लॉस ही हो रहा है ना। तो इस वजह से जो टेन्योर प्रीमियम है ना, वो टेन्योर प्रीमियम में भी इन लोगों का लॉस हो रहा होता है, तो उसको भी देख के वो फाइनली ये रेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस हिसाब की ये एम सी एल आर डिसाइड कर सकता है, राइट। तो यही पॉइंट है इसमें। अच्छा, एक रेट और छूट गया जिसको बोलते हैं बैंक रेट, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। सो बैंक रेट का क्या मतलब है? बिल्कुल सेम जैसे मान लो ऊपर आरबीआई है, नीचे बैंक है ना। अब आरबीआई क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन देना होता है अगर, अगर लॉन्ग टर्म लोन देना है, ठीक है, और मनी मनी फ्लो डाउनवर्ड हो रहा है, ऐसे में सेम यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाती है, जिसका मतलब इंटरेस्ट पे कर रहा है ये, है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलता है रेपो रेट वाला, बट अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए तो उस केस में ये बैंक रेट होता है, शॉर्ट टर्म चाहिए तो वो रेपो रेट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुमोरो टुडे। टुमोरो वील डिस्कस अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो मैं कल आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे वो। बट देखो आज जो हमने कंप्लीट किया है तो आप इसको पढ़ो, और जो मैं आपको स्टडी मटेरियल है, अब मेरी एक बुक कंप्लीट होने वाली है, मैं सोच रहा हूँ कि सीधा वो बुक ही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक बेसिक टर्म है ना जिसको आप पढ़ा नहीं सकते, है ना। तो वो बुक के अंदर है, आप आराम से वो चार्ट चूट भी देख सकते हैं और उसको भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा उसे बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, नहीं तो जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ नोट्स आप लोगों को दे दूंगा पढ़ने के लिए, बट कोशिश करूंगा कि जैसे मेरा बुक प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं बुक ही आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उससे पढ़ सकें, राइट। सो टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू।